अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेकंड टेस्ट मैच के बारे में। नादरीन, वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नादरीन, सेकंड टेस्ट मैच के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 277 रन बनाए और फिर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। न्यूजीलैंड के 319 रन के हदफ में पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को पांचवें दिन ये मैच जीतने के लिए 317 रन दरकार हैं, जबकि इसकी सिर्फ 8 विकेटें बाकी हैं। फिलहाल मैच पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त खास मजबूत दिखाई दे रही है और पाकिस्तान को आखिरी रोज एक बड़े हदफ का सामना करना होगा। पाकिस्तान की जानिब से दूसरे सेशन में अबरार अहमद, नसीम शाह और हसन अली ने एक एक विकेट हासिल की। पूरे सेशन के दौरान कई LBW शॉट्स हुए जिन पर रिव्यू भी लिया गया और इस दौरान सोशल मीडिया पर खराब एम्पायरिंग की पोस्ट गर्दिश में आने लगी। चौथे रोज का आगाज पाकिस्तान ने 407 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर किया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रन का इजाफा हो सका क्योंकि दिन के पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर अर्ज सोदी ने अबरार अहमद को LBW आउट करके पाकिस्तान की इनिंग्स को तमाम कर दिया। और न्यूजीलैंड की इनिंग्स का आगाज भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। फास्ट बॉलर मीर हमजा ने अपनी स्पेल की पहली गेंद पर डेविन कॉनवे को बोल्ड कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें रोज 319 रन के हदफ में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग जारी थी। खराब रोशनी की वजह से मैच रोक दिया गया। यूं कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला दूसरा टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान को अभी जीत के लिए मजीद 15 रन दरकार थे, जबकि न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट दरकार थी। पाकिस्तान के आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन सरफराज अहमद थे, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से शानदार सेंचुरी स्कोर की है। ये टेस्ट क्रिकेट में सरफराज अहमद की चौथी सेंचुरी है। इस सीरीज में वो 3 नेस्ट सेंचुरियां भी बना चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग 0-2 खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू की, तो ओपनर इमामुल हक और शान मसूद को ही पहले ऐश सोदी और फिर मैट हेनरी और सऊदी की बॉलिंग पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके आउट होने के बाद बाबर आजम और शान मसूद के दरमियान 42 रन की पार्टनरशिप कायम हुई, तो ऐसा मालूम हो रहा था कि अब पाकिस्तान की बैटिंग संभल रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑफ स्पिनर ब्रेसवेल की गेंद पर बाबर आजम आउट हुए। बाबर आजम ने 5 चौकों की मदद से 27 रन बनाए। उनके आउट होने के कुछ ही देर बाद शान मसूद भी ब्रेसवेल की गेंद पर विलियमसन के हाथों कैच आउट हुए और यूं सिर्फ 80 रन की मजमू स्कोर पर पाकिस्तान की नेक्स्ट टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इस मौके पर पहली इनिंग में नाकाबिले तस्खीर सेंचुरी स्कोर करने वाले सऊद शकील ने सरफराज अहमद के साथ मिलकर 5वीं विकेट के लिए 123 रन की पार्टनरशिप कायम की और पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए। बिलाखिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची सेकेंड टेस्ट मैच भी दिलचस्प मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया। तो नादरीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।